हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली। कैसे बनाएंगे? मैंने ये चावल 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये चना दाल है और कुछ मेथी के दाने। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, धीरे धीरे पानी डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। मिक्सी को रोकते हुए चलाएँगे, रोक रोक के फिर पानी डालेंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे। अब मैंने थोड़ा पोहा भिगो लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है। और ये मैंने पीस के बारीक पेस्ट बना के रात भर के लिए रख दिया है। और ये सुबह होने के बाद मैंने ये निकाला है। देखिए, हमारा खमीर बनकर तैयार हो गया। देखिए हमारा खमीर कितना अच्छा बना है। अगर आपका खमीर ना फूले तो आप उसमें इनो या मीठा सोडा डाल सकते हैं। अगर आपका बैटर फूल रहा है अच्छे से तो उसमें कुछ ना डालें। इसे मिक्स करेंगे और पतीले में निकालेंगे। देखिए एकदम बारीक पेस्ट होना चाहिए हमारा। देखिए मैंने ये बर्तन में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमारा बैटर पतला हो जाएगा। देखिए मैंने पानी डाल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने नमक डाला है, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके इधर ठंडी है तो आप रात को नमक डाल के मत रखिए, अगर गर्मी है तो थोड़ा नमक डाल के रखिए उसको। मेरे इधर ठंडी थी, मैंने इसीलिए नहीं रखी। अब मैंने इडली ढांचा लिया है, इसको ऑयल से थोड़ा ग्रीस करेंगे और फिर इसमें हम बैटर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चारों खन में बैटर डालेंगे। थोड़ा खाली रखेंगे फूलने के लिए इडली को। और ऐसे करके हम सभी प्लेट को भर लेंगे बैटर से। भरने के बाद कुकर में बनाएंगे हम। एक एक करके हमने तीनों में बैटर डाल लिया है। अब इनको हम ऊपर नीचे लगाएंगे। देखिए मैंने तीनों प्लेट में बैटर भर लिया है। अब इनको हम ऊपर नीचे लगाएंगे। देखिए अब हमारी तीनों प्लेट रेडी हो गई। चलिए अब हम इसको कुकर में रखते हैं। कुकर में मैंने पानी डाल के 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब इसमें हम ढांचा रखेंगे। देखिए मैंने अब इसमें ढांचा रख दिया है और इस पे ढक्कन लगाएंगे अब कुकर पे। मैंने कुकर की सीटी और रबड़ निकाल दिया है। देखिए अब इसको कवर करेंगे और 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। कम से कम 20 मिनट तो के बाद ही देखेंगे। बीच में एक बार चेक कर लेंगे 15 मिनट के बाद। देखिए हमारी इडली बनकर तैयार हो गई है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। और देखिए हमारी कितनी अच्छी और बढ़िया इडली बनी है। अब इनको हम ढांचे से निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालना है, नहीं तो हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी। देखिए अब इनको हम प्लेटिंग करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ये नारियल की चटनी के साथ, इसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे डाल रखी है। ओके बाय।